अतः समंदर में ये जिंदगी और मौत के बीच जंग की तस्वीर है। जिन लोगों को आप नाव में बैठे देख रहे हैं वो पिछले 10 दिनों से भयंकर चक्रवात में यमन के करीब सुक्रोत्रा द्वीप में फंस गए थे। तूफान की वजह से इनकी नाव डूब गई थी, भोजन पानी कम रह गया था। बहरहाल नौसेना के ये जवान इनकी जिंदगी में देवदूत बनकर आए। द्वीप में फंसे लोगों को छोटे छोटे जत्थों में नाव में भरकर युद्धपोत INS सुनैना पर लाया गया और फिर समंदर के किनारे पहुंचाया गया। ये तस्वीर उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की है। देखिए किस तरह द्वीप में फंसे लोग नाव से INS सुनैना पर ले जाए जा रहे हैं। ये डेक की तस्वीर है जहां से ये लोग समंदर के किनारे ले जाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें 24 मई को यमन के सुक्रोत्रा द्वीप में पिछले दिनों मेकनू नाम का खौफनाक तूफान आया था। तूफान की वजह से 38 हिंदुस्तानी उस द्वीप में फंस गए, क्योंकि तूफान की वजह से उनकी नाव क्षतिग्रस्त हो गई। तूफान की वजह से 12 लोगों के समंदर में लापता होने की खबर भी है। इन लोगों के लिए राहत की बात ये रही कि अदन की खाड़ी के करीब ही युद्धपोत INS सुनैना तैनात था। द्वीप में फंसे लोगों का संदेशा मिलते ही युद्धपोत को मौके पर रवाना कर दिया गया। खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी से अंजाम दिया गया। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी।